आ गई है दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 के विनर्स के लिस्ट सामने। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस एक्टर को मिला कौन सा अवार्ड। इस वीडियो में होगी सिर्फ दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 के विनर्स की बात। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट ट्रेंडिंग एक्टर की कैटेगरी की, जिसका अवार्ड जीता है रूपल पटेल ने, जो हाल ही में स्टार प्लस के शो साथ निभाना साथिया के सीजन 2 में नजर आ रही हैं। इसके अलावा रूपल पटेल ये रिश्ते प्यार के का भी हिस्सा रह चुकी हैं। अब बात करते हैं आइकन फेस ऑफ द ईयर की कैटेगरी की, जिसका अवार्ड अदा खान ने जीता है, जो नागिन की सीरीज का भी हिस्सा रह चुकी हैं। इसके अलावा अदा खान कलर्स टीवी के रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आ चुकी हैं। अब बात करते हैं बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी की, जिसके विनर हैं नागिन 5 के डायरेक्टर राजन सिंह, जबकि बेस्ट प्रोडक्शन हाउस 2020 की कैटेगरी का विनर है डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन हाउस, जो कि राजन शाही का प्रोडक्शन हाउस है। अनुपमा ये रिश्ते हैं प्यार के और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे पॉपुलर सीरियल्स भी इसी प्रोडक्शन हाउस का हिस्सा हैं। अब नंबर आता है पॉपुलर आइकन की एक्टर एक्ट्रेस की कैटेगरी का, जिसकी मेल कैटेगरी के विनर हैं सुधांशु पांडे, जो स्टार प्लस के शो अनुपमा में वनराज शाह के रोल में नजर आ रहे हैं, जबकि फीमेल कैटेगरी की विनर हैं रूपाली गंगुली, जो स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा के ही रोल में नजर आ रही हैं। अब नंबर आता है मोस्ट पॉपुलर आइकॉनिक जोड़ी की कैटेगरी का, जिसके विनर हैं मोहसिन खान और शिवांगी जोशी की जोड़ी यानी हमारी कायरा, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आ रही है, जबकि मल्टी टैलेंटेड एक्टर की कैटेगरी के विनर हैं अर्जुन बिजलानी, जो नागिन और इश्क में मर्दावा जैसे पॉपुलर सीरियल्स में भी नजर आ चुके हैं, जबकि यूथ आइकन की कैटेगरी के विनर है रोहन मेहरा, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है का भी हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा रोहन मेहरा क्लास ऑफ 2020 में भी नजर आ चुके हैं। अब नंबर आता है बेस्ट एक्टर की कैटेगरी का, जिसकी मेल कैटेगरी के विनर है शहजाद मल्होत्रा, जो हाल ही में कलर्स टीवी के शो नागिन 5 में वीर के रोल में नजर आ रहे हैं, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस की फीमेल कैटेगरी की विनर है नागिन 5 की बानी यानी सुरभि चंदना। के अलावा आइकॉनिक रिवर 2020 की कैटेगरी में अवार्ड जीता है हिना खान ने, जो नागिन 5 और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे पॉपुलर सीरियल्स का हिस्सा रह चुकी हैं, जबकि मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस की कैटेगरी की विनर है एंजेला क्रिस्टिनी, जो बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस है। इसके अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड की डिफरेंट कैटेगरीज में जिन एक्टर एक्ट्रेस ने अवार्ड जीता उनमें दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया समेत कई पॉपुलर सेलेब्स का नाम शामिल है। ऐसी और मजीद अपडेट से जुड़े रहने के लिए हॉलीवुड इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।